अवैध संबंध में नवविवाहित की हत्या। देवर और भाभी का था अवैध संबंध। भाभी अपने बहन की शादी देवर से कराना चाहती थी। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटियों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बेटियों की हत्या का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा मामला फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी बखरोल गाँव का है, जहाँ रामबीर की पत्नी पिंकी ने रामबीर और उसकी भाभी को रंगरलियां मनाते देखा। विरोध करने पर देवर भाभी ने पिंकी को जंगल में ले जाकर पहले चाकू से गोदा, फिर दोनों आंखें फोड़ के मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों ने जब पिंकी की लाश को देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी जेठानी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के पति की तलाश जारी है। इस मामले में एसपी ने बताया कि जेठानी अपनी बहन की शादी अपने देवर से कराना चाहती थी, लेकिन यह शादी नहीं हो पाई, जिसके कारण उसने पिंकी की हत्या कर दी। इस मामले में मुकदमा दर्ज, जेठानी से पूछताछ जारी है। अर्जुनपुर रेवाड़ी में हुई थी, तो रक्षाबंधन के दिन लड़का लेके आया जो हमारा दामाद था, और फिर कल सोमवार जो सोमवार था 12 बजे फिर लेवा के ले गया। फिर इसके बाद 6:30 बजे कहा कि लड़की तुम्हारी भाग गई। 10:30 बजे घर पे फ़ोन किया कि 10:30 बजे वहाँ से गए तो कहाँ सौंच के लिए गई थी, वहीं से मोटरसाइकिल से भाग गई। तो हम कहा जहाँ से सौंच के लिए गई साथ में कौन गया था, तो कहा साथ में पहले कोई नहीं, फिर इसके बाद बताया कि साथ में जेठानी भी थी। जब वहाँ गए तो वहाँ पर जो लाश पड़ी थी साड़ी में कसी हुई थी, और वहीं पे एक चप्पल पड़ी जंगल पे खेत से घर गांव से 1 किलोमीटर दूर। किसी धारदार हथियार की? हाँ, चाकू के, और चाकू के हथियार ज्यादातर दोनों आके फोड़ दी गई हैं, और यहाँ ये हाथ की नसें काट दी गई हैं और गला काट दिया गया था, और ये इसमें फंदा लगा था पूरा बंद। इसकी जेठानी ने जो हत्या साजिश से कर, आदमी और साथ में से उसकी जेठानी। इस समय जेठानी तो यहाँ पुलिस लाइन पुलिस ले आई है, और बाकी सब परिवार पुलिस स्टेशन के। हाँ, दोनों का प्रेम प्रसंग का संबंध, भाभी और देवर का। जिसके चलते देवर की शादी अपने बहन से करवाना चाहते थे। क्या नाम है? शिवचंद्र। हमारी भतीजी है सर जी। इसकी 11 मई को शादी है। 11 मई 2018 में शादी की है। किस गांव में किया? रेवाड़ी में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अच्छी तरह सब चल रहा था। हमको कोई ये चीज़ की खबर नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। हमको तो सब अच्छा अच्छा बताया जा रहा था। बाकी जो इनकी हमारी लड़की की जो जेठानी थी, उनका कुछ अफेयर चल रहा था, ये कहानी सामने आई। फिर तो उसी के चलते हुए उसी इनकी जेठानी और इस पूरे परिवार वाले मिलके उसे मरवा दिए। हमको खबर दिए रात के 10:45 बजे कि वो भाग गई, सारी जेवर पैसे रुपए लेके भाग गई। तब हम वहाँ से गांव से आए। जब हम गांव से आए तो हम यहाँ पूछे तो हमें यही बता रहे हैं कि वो एक मोटरसाइकिल लगी थी, उसमें हमने देखा कि पीछे पीछे गई और बैठ के निकल गई। तो हम पूछा, जब तुमने देखा तभी तुमको हल्ला करना चाहिए, तभी तुम्हें फ़ोन करना चाहिए। आज 4 घंटे बाद तुम हमें सूचना दे रहे हो। क्या हुआ था? फिर बॉडी कहाँ प्राप्त हुई? फिर जब हम गए तो हम गांव वाले लोगों से मदद मांगी कि आखिर ये जब सोच के लिए गई थी तो वहाँ तक आप लोग गए कि नहीं, तो कोई बता रहा कि हम गए थे, कोई बता रहा है नहीं गए वहाँ। तो हमको ये चीज़ का हम कहे कि शायद उसे गई सोच के लिए, बारिश का महीना है, कीड़ा मकोड़ा कोई काट लिया हो, बेहोश हुई पड़ी हो। तो हम इस बहाने से वहाँ गोली कैसे प्राप्त हुई, कैसे धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई, या गोली मार कैसे, चाकू से मारा गया या फिर सांग द्वारा मारा गया, आँख फोड़ दी गई है और कई घाव बने हुए हैं, साड़ी से पूरा कस के गला घोट के बांधा गया था। क्या नाम है आपको? नरेंद्र कुमार। अभी तक भाभी